बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नानी जान की पिटारी में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे कैरी की चटनी। इसके लिए हमने हरा धनिया पुदीना साफ़ करके धो के अच्छी तरह रख लिया है और हरी मिर्चों को भी धो लिया है और कैरी के बारीक बारीक टुकड़े कर लिए हैं, इनके छिलका उतार के। लहसुन लिया है और नमक लिया है। इन सब चीज़ों को हम ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे और ये चटनी बहुत हाजिम होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है। गर्मियों के मौसम में होने वाली बदहज़मी और भूख ना लगना उसके लिए बहुत अच्छी है। हर दस्तरखान पे आपके हर खाने के साथ अच्छी लगती है और आपके दस्तरखान की जीनत बढ़ाती है। आप लोग भी कैरी की चटनी ज़रूर बनाएं और हर खाने के साथ खाएं। गर्मियों में आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह दोबारा किसी और तरकीब के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।